नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे इस YouTube चैनल डेली अपडेट्स इंजीनियरिंग में। दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल के आ रही है मजदूर संगठन की तरफ से। सारे मजदूर संगठन ने यह ऐलान किया है कि दोस्तों आने वाली 12 तारीख को पूरे देश भर में हड़ताल की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कोल इंडिया में अब हड़ताल होने वाली है। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर ये हड़ताल क्यों होने वाली है, इसके पीछे क्या कारण है। क्योंकि दोस्तों इससे पहले हमने देखा था कि जुलाई के महीने में 3 दिनों की हड़ताल की घोषणा की गई थी और पूरे देश भर में 3 दिनों तक हड़ताल चली थी। इसके बाद दोस्तों सारे मजदूर संगठन ने यह फैसला किया है कि आने वाली 12 तारीख को पूरे देश भर में एक दिवसीय हड़ताल की जाएगी। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि आखिर यह हड़ताल क्यों होने वाली है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं, कोल उद्योग में हड़ताल को लेकर जो है पाँचों मजदूर संगठन ने सबसे पहले वर्चुअल मीटिंग की। ये वर्चुअल मीटिंग 15 सितंबर 2020 को हुई थी। इसमें यह सहमति बनी कि हम एक दिन की हड़ताल करेंगे। इसमें सारे मजदूर संगठन, इसमें HMS, ATAC, C2, BMS और INTEC के प्रतिनिधि शामिल थे। इन्होंने ये ऐलान किया कि एक दिन की हड़ताल की जाएगी। ये हड़ताल की जो डेट है दोस्तों वो अगले महीने की दी गई है, यानी कि अगले महीने की 12 तारीख को यह हड़ताल पूरे देश भर में की जाएगी। समस्त कोल इंडिया में जितने भी कोल इंडिया लिमिटेड के मजदूर हैं, जिसमें BMS भी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, वही BMS जो भारतीय जनता पार्टी और RSS का मजदूर संगठन है, वो उसने भी ऐलान किया है अपनी सरकार के खिलाफ हड़ताल करने का। दोस्तों BMS भी इस हड़ताल में शामिल होना चाहता है। BMS पूरे वर्कफोर्स के साथ जो है इस हड़ताल में शामिल होगा, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि कमर्शियल माइनिंग को लेके और कोल इंडिया के विनिवेश की जो स्थिति है उसको लेके और सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ जो है इन्होंने ऐलान किया है कि पूरे देश भर में हड़ताल की जाएगी, जिसमें विभिन्न विषयों पर श्रमिक संगठन के नेताओं ने ये मंत्रण की है कि अपना जो है बहुत सारे मुद्दे को लेके ये हड़ताल की जाएगी। इसमें जो मेनली मुद्दा है दोस्तों वह है कमर्शियल माइनिंग और कोल इंडिया लिमिटेड की जो विनिवेश की नीति है, जो डिसइन्वेस्टमेंट का कारण है, उसको लेके जो है सारे मजदूर संगठन ने ये ऐलान किया है कि आने वाली 12 तारीख को एक दिनों की हड़ताल की जाएगी। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि BMS के BK रॉय भी शामिल है और ATAC के रमेंद्र कुमार भी दोस्तों शामिल है। BMS जो कि भारतीय जनता पार्टी का मजदूर संगठन है, वो पूरी तरीके से इसमें साथ देने को तैयार है। इसके अलावा HMS के नाथूलाल पांडे, C2 के DD रामानंदन और INTEC के SQ जामा ने सर्वसम्मति करके जो है ये फैसला किया है कि पूरे देश भर में। इसके साथ हम लोग देख सकते हैं कि सिंगरेनी कंपनी समेत कोल इंडिया में 12 अक्टूबर को एक दिवसीय हड़ताल की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, एक दिनों की यह हड़ताल होगी जो कि अगले महीने 12 अक्टूबर को होगी। अब हमें यह देखना होगा कि इससे आगे सरकार के ऊपर क्या दबाव पड़ता है। सरकार अपना कमर्शियल माइनिंग का जो फैसला है और भी बहुत सारे कारण हैं, उसको वापस लेती है या नहीं लेती है। इस बार सरकार के तरफ से दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई भी अभी तक राय नहीं दी गई है। जैसे ही कोई प्रतिक्रिया आती है तो उसको लेके जो है हम बात करेंगे। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।